हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश वल्ला में। और आज हम लोग सीखेंगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स। स्पेशल स्ट्रक्चर में गाइस हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जैसे कहते हैं ना, ये काम जरूर कर लेना, मुझसे कल जरूर मिलना, तुम मुझे जाने से पहले जरूर बताना। तो गाइस ऐसे सेंटेंस को करने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जो कि इस तरह से है। पहले आपको डू लगाना है, डू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, उसके बाद फिर अदर वर्ड्स आपको ऐड कर देना है। ये एक इम्फैटिक सेंटेंस है, इम्फैटिक स्ट्रक्चर है। जैसे कहते हैं कल जरूर आना, तो आपको इंग्लिश में बोलना है डू कम टुमारो, डू कम टुमारो, कल जरूर आना। गाइस यहाँ पे डू का मतलब करना नहीं हुआ, सिर्फ एक एम्फसाइज करने के लिए, सेंटेंस पे जोर डालकर बोलने के लिए यूज किया जाता है। मुझसे कल जरूर मिलना, तो यहाँ पे भी आपको डू पहले यूज करना है, डू मीट मी टुमारो, मुझसे कल जरूर मिलना, डू मीट मी टुमारो। गाइस यहाँ पे भी ध्यान देना, डू के बाद पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको भी हम कह रहे हैं अपने से सामने वाले को, वो यू यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे कल जरूर मिलना, तो आपको जरूर नहीं कि यू पहले ऐड करें, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको सीधे ऐसे बोलना है डू मीट मी टुमारो, कल मुझसे जरूर मिलना। आपने कहा जैसे जाने से पहले मुझे जरूर बताना, डू इन्फॉर्म मी बिफोर गोइंग, डू इन्फॉर्म मी बिफोर लिविंग, जाने से पहले मुझे जरूर बताना। एग्जाम में जाने से पहले ये सिलेबस जरूर रिवाइज कर लेना, डू रिवाइज दिस सिलेबस बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, एग्जाम में जाने से पहले ये सिलेबस जरूर रिवाइज कर लेना। कुछ भी करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना, डू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स बिफोर डूइंग एनीथिंग, डू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना। बोलने की प्रैक्टिस जरूर करना, डू प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइज इस तरह से आप डू यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी अदर वर्ड्स आप बाद में ऐड कर सकते हैं और किसी के सामने भी इंग्लिश बोल सकते हैं। होप आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।